हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि एक सॉकेट, दो वन वे स्विच और एक टू वे स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए हम एक सबसे पहले रेड कलर का वायर लूँगा जो मेरा 5 पिन के फेस वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। जो मेरा प्रत्येक 5 पिन सॉकेट में एक फेस टर्मिनल, एक न्यूट्रल टर्मिनल और एक अर्थिंग का टर्मिनल होता है। तो सबसे पहले हमको रेड कलर का वायर जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फेस टर्मिनल है, यानी कि मेन टर्मिनल, इसे लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से स्क्रूड्राइवर के मदद से अच्छी तरह से केबल को कसने के बाद उसके बगल में जो स्विच है उसके ऊपर वाले टर्मिनल में लेकर के चले जाएंगे। और कोई भी केबल को लूज नहीं कसना है। तो फ्रेंड्स, इसको कसने के बाद एक मैं और रेड कलर का वायर लूँगा जो हम उस केबल को, जो मेरा वन वे स्विच और टू वे स्विच है, उस तीनों स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे नीचे वाले टर्मिनल को। उतना लंबा मैं उस वायर को अच्छी तरह से कवर हटा ले रहा हूँ। कवर हटाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से तीनों स्विच को कनेक्ट करेंगे। इस केबल को लगाने के बाद हमको ध्यान रखना है कि तीनों स्विच में जो केबल लगा है उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से कस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो केबल रेड कलर का वायर बाहर निकला है वो तो मेरा फेज टर्मिनल भी हो गया, यानी कि इस बोर्ड का फेज वायर भी हो गया। और इसके बाद हम एक ब्लैक कलर का वायर लेंगे जो मेरा 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल से बाहर निकलेगा। और जो मेरा टू वे स्विच है उससे बल्ब दो जलाएंगे एक टू वे स्विच से। तो प्रत्येक होल्डर का एक एक केबल फेस टर्मिनल जो टू वे स्विच के एक ऊपर वाले टर्मिनल में लगाएंगे और एक नीचे वाले। तो न्यूट्रल को केबल में अच्छी तरह से जोड़ करके इस केबल को बाहर निकाल लिया हूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरा न्यूट्रल टर्मिनल भी हो गया। मेरा बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इलेक्ट्रिक संबंधित सभी प्रकार के वीडियो सबसे